जो गंगा सामने बह रही है उसका नाम राम रेखा का है, मतलब भगवान रामचंद्र श्री विश्वामित्र जी को साथ में इधर से ही पार होकर उस तरफ में गए। इसलिए कि गंगा जी बड़ी महात्मा है, पास में गुरुदेव का कलेज है और उनको परिवार के जो भातीजा वो बोल रहे कि गुरुदेव यहाँ पर दौड़ दौड़ कर आते थे कलेज में और पढ़ते हुए भी बच्चे थे दौड़ दौड़ कर अपने दांत में चले जाते थे और रास्ता में जामुन आम सब इसको खाते खाते और आनंद में जाते थे। इसलिए ये स्थान का अत्यंत अत्यंत महिमा है क्योंकि भगवान रामचंद्र का चरण द्वारा का अभिषेक था यह स्थान ही और विश्वामित्र जी का भी भजन स्थल ही है। इसलिए हर दृष्टिकोण से ये स्थान अत्यंत अत्यंत पवित्र है। हम भी आए और हम भक्त लोग सबके सब गंगा में हम लोग स्नान किया बल्कि राम रेखा गंगा की जय। बारिश के बड़े बाढ़ भी हो जितने पानी के नहीं आए गुरु जी इसी गंगा से इस बार और उधर से इस बार गुरुदेव बोल जाते थे, इसलिए तैर कर आते थे तैर कर जाते थे। इसलिए हर दृष्टिकोण से स्थान अत्यंत पवित्र स्थान है।